बिहार में लंबे इंतजार के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटेट 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उर्दू, संस्कृत और विज्ञान विषय को छोड़ शेष 12 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में 24,599 सफल अभ्यर्थियों की सरकारी स्कूलों में नौकरी पक्की हो गई है। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के तहत ये नियुक्ति की जाएगी। 24,599 वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं और ये जो घोषित हो रहे हैं ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसी मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं वो सब के सब या तो 9वीं-10वीं के लिए या 11वीं-12वीं के लिए, जिसको कहिए माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ये सभी शिक्षक नियुक्त होने की पात्रता रख रहे हैं इस उत्तीर्णता की बात। और आप सब जानते हैं कि ये 7वें चरण की नियुक्ति होगी। वहीं उर्दू, संस्कृत और साइंस के 106 कैंडिडेट की ऑनलाइन परीक्षा 2 अप्रैल को ली जाएगी। ये परीक्षा पटना हाईकोर्ट के आदेश के तहत कराई जाएगी। इन तीन विषयों में कुल 23,671 कैंडिडेट शामिल हुए थे। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान विषय में 7,108 टीचरों की रिक्तियां हैं। एसटीईटी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सभी विषयों में 1,78,000 छात्र शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट में भी नियुक्ति प्रक्रिया का मामला चल रहा है, इसलिए हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही बाकी की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। रिजल्ट या कुछ नतीजे इस परिपेक्ष में रोके गए हैं कि आप सबने देखा होगा कि कुछ जगहों पर कुछ हंगामा हुआ था, जिसके कारण 106 विद्यार्थी अभ्यर्थी का मामला रुक गया था। फिर बाद में कोर्ट ने कहा है कि इनका भी शामिल करा लीजिए, उसके कारण कुछ नतीजे रोक लिए गए। उन सबको मिला के भी वो 37,000 है, लेकिन ये मामला जो 6ठे चरण का है, जो हमने कहा कि 5 अप्रैल को लिस्ट होने की बात है और जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हर हाल में माननीय उच्च न्यायालय हम लोग को इजाजत दे दे, जो कंडीशन वो लगाना चाहते हैं, जो चाहे रिजर्वेशन का, जो सरकार के नियम है रिजर्वेशन में हम लोग खुद लागू करना चाहते हैं। कहीं कोई ऐसी मंशा विभाग की या सरकार की नहीं है कि हम लोग कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और इसी आधार पर हमने IFI भी किया है और हम लोग कितना मुस्तैद हैं कि ये परीक्षा भी जो देख रहे थे आज, इसके नतीजे हम लोग जारी कर रहे हैं, ये भी रुक गया था न्यायालय के दखल के हिसाब से। हम लोग इसमें भी प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के हम लोगों ने न्यायालय को कहा है कि भाई हमारे पद खाली हैं। लंबे इंतजार के बाद एसटेट 2019 के रिजल्ट जारी होने से 24,599 सफल कैंडिडेट के अच्छे दिन आ गए हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। इससे सरकारी स्कूलों में ट्रेन टीचर मिलने से छात्रों की पढ़ाई में सुधार होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।